पहले मैं इंडिया का नंबर वन स्टेट कौन? कभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसिस किया है, बाद में जो पीएमआईआई से आता है, पीएमएल का आईसी आता है, वो निकाल के कंटिन्यूटी भी चेक किया है हमने, कहाँ से कहाँ तक वोल्टेज आता है, वो लाइन भी लाइनिंग रहता है। तो क्या बोलेंगे आज आप लाइट की क्लास के लिए? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, जो ये जो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, खाली एशिया टेलीकॉम में ही मिलता है। प्रॉपर टाइम देंगे तो बेस्ट टेक्नीशियन बन के जा सकते हैं एशिया टेलीकॉम से, एंड एशिया टेलीकॉम से ऑलवेज पैसा ही वसूल होगा, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा जो अदर इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग भी साथ में देख रहे हैं। यस सर। तो आपके सामने लाइव किया इन्होंने? जी सर, एकदम। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। डायग्राम आपको जो कॉपी पेस्ट वाला मोबाइल का होता है, गूगल से डाउनलोड करा हुआ था, वो डायग्राम बना दो कि मैनुअल? नहीं नहीं सर, गूगल यूट्यूब का बात ही मत कीजिए सर, इतने तो हमने को कितना फोन खराब हो गया सर। बराबर। हाँ सर, तो अभी मैनुअल खुद हैंडमेड बनाते हो आप डायग्राम हर सेक्शन का? हाँ सर, हर सेक्शन का बनाते हैं सर, और पढ़ाने का तरीका तो सर एक नंबर है, ऐसा कोई सर कहीं पे भी नहीं मिलेगा सर। आज हमारी जो क्लास थी वो लाइट सेक्शन के ऊपर थी, तो एकदम डीप में जाने को मिला, बिल्कुल एंडलेस सॉल्यूशन बोले तो सर झकास। तो आपका डिस्प्ले कनेक्टर आज पूरा हो गया कंप्लीट? बिल्कुल सर, एकदम हलवा खाने वाली चाट रहते ना, उससे बेस्ट कर दिया सर, एकदम सारा डिटेल में बताया, और बोर्ड में किस तरीके से लाइट आईसी लगी होती है वो सब बताया, और उनका पढ़ाने का जो तरीका है ना सर, कतई जहर, एकदम बिल्कुल डीप में ले जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल में ये चीज समझ में आई? यस सर। किस किस को आई ये चीज समझ में? यस सर। कि D8 लग जाएगी कि क्या लग जाएगी? यस सर। तो ये दो सर्किट के नाम लिख दिए, ये बहुत अच्छे से नोट करना, और पहला इतना बनाओ, दो सर्किट के नाम, अगर B3 D3 आपस में बीप दे रहा है तो D8, और अगर D3 D3 आपस में बीप दे रहा है तो ये देना चाहिए C3 और A3, तो D6, और D8 सबसे न्यू आईसी है, तो अभी के सेट में जो भी आईसी आ रही है D8 LM और LK। हाँ, क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह सर, राजस्थान से। राजस्थान से हैं जी। तो राजस्थान से काफी आवाज जाएगी? बिल्कुल जाएगी सर, जाएगी। अभी आपके हाथ में कौन सा फोन है? Note 4 सर। Note 4, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? लाइट एंड ग्राफिक का इशू है। लाइट और ग्राफिक्स का अगर इशू है तो आप इसमें क्या करने वाले हैं सर? इसका PMI IC जो है उसको मैं चेंज करूंगा। चेंज करेंगे या फिर आपको लाइन भी चेक करेंगे? जी बिल्कुल सर। कितनी वोल्टेज आपको चेक करनी है ग्राफिक्स के लिए, कितना वोल्टेज चेक करना है आपको जी लाइट के लिए? आपको कॉपी में लिखवाया गया है? जी बिल्कुल सर। अभी आप चेक करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप? जी जी बिल्कुल। आपके पास IC अवेलेबल है? जी IC अवेलेबल है सर। चलिए ठीक है, आप इसमें Redmi 5 का फोन है ये जी, तो आप इसमें निकाल के उसमें लगाने वाले जी, हैं जी, ना? जी जी सर। चलिए स्टेप बाय स्टेप करिए। We'll be right back.
ट्रेनिंग कर दूं गर्म हो रहा है बहुत। हाँ ठीक है, लाइट नहीं जल रही है। बैटरी बैटरी उसका ख़राब हो रहा है। हाँ वो बैटरी ख़राब है ना, तो हम तो ना दीपक सर इसको चेक करते हैं पहले, हुआ कि भी नहीं हुआ। इधर दिखाओ, इधर तो बताओ अनुराग कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर इसका। अच्छा लग रहा है जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आईसी में नॉस्कट नहीं दिख रहा था आपको? जी 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 सर, बिना नॉस्कट का आईसी आपने लगाया? जी सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ट्रिक से लगाया समझ में आया आपको? बिल्कुल सर, किसी आईसी में नॉस्कट ना रहे तो आप अपने दिमाग से आप कर पाएंगे उसको, नॉस्कट लगा पाएंगे? बिल्कुल सर। तो अभी इसमें ग्राफिक भी नहीं आ रहा था, लाइट भी नहीं आ रहा था, तो आपने वोल्टेज भी चेक किया, आपने जीआर भी चेक किया जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है सर, एंड फर्स्ट टाइम किया है तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। आपने बनाया या फिर? नहीं सर, मैं ही तो बनाऊंगा। अरे मैं बनाऊंगा ना, कौन बनाया? आपने बनाया जी। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे जो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? उनको बोलूँगा कि टाइम निकालें एंड प्रॉपर टाइम दें। यहाँ पे पीसीबी में हमें लाइट सेंक्शन पहचानने का तरीका दिया कि कैसे हम देख सकते हैं कि कौन सी पीसीबी में कौन सा लाइट का सेंक्शन है और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी दिक्कत आएगी। एक सर्किट पे बताया, एक सीपीयू पे बताया, एक मॉडल पे बताया क्या तुमको? नहीं सर, सभी में मॉडलों पे बताया। हाँ जी सर। सारे सीपीयू पे बताया? हाँ जी सर। कोई सा छोड़ा है क्या? नो सर। कोई सा छोड़ा है? नो सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट। अच्छा, प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? सर प्रैक्टिकल क्लास में हमने एक लाइट सेंक्शन पूरा पहले सारा उखाड़ा, उसके बाद दोबारा से वो रीमाउंट करके पूरा पूरा देखा कि क्या क्या होता है, कौन सी कितने बोर्डों पे करा आपने? सर यहाँ से 50 से 60 बोर्ड पे कर किया होगा। कोई बोर्ड छोड़ा क्या आपने? कोई नहीं छोड़ा सर। देव सर के साथ क्लासेस ऊपर लाइट सेक्शन की, उन्होंने हमें आइडेंटिफाई करना बताया कि एक पीसीबी में हम लाइट सेक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे किस तरह के कैपेसिटर लगे होंगे, कौन सा डायोड लगा होगा, ये सब पूरा आइडेंटिफाई उन्होंने करा है 0 से लेकर 100 तक। और हम सारी जितनी भी पीसीबी वगैरह आती है, चाहे वो क्वालकॉम का सीपीयू, चाहे वो एमटीके का हो सीपीयू, उन्होंने पूरी सब कुछ बताया, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। एक लाइट आईसी में कितनी सर्किटें आती हैं आपको सारी चीज़ें बताई गई? सारी चीज़ें बताई गई कि कितनी बॉल्स होती हैं, किस पे क्या आता है, क्या जीआर आता है, क्या जीएनडी आता है। आपको बहुत, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, कि आपको देखा होगा आपने कि इसको ग्राउंड कर दो तो आपकी लाइट जल जाएगी, तो ग्राउंड कर देने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी आपको बताया गया? जी सर, वो सारी चीज़ें बताई कि अगर वो दो ग्राउंड होता है वो कुछ ही दिन के लिए होता, उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। कंट्रोलर के बारे में एक एक चीज़ पूरा सब कुछ बताया गया। क्लासेस हुई है आपकी सर के साथ, लाइव हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है? सर लाइव नहीं, नहीं सर, पूरा प्रैक्टिकल हुआ है। हम लोग जो वहाँ पे थ्योरी करके आए तो उसका प्रैक्टिकल भी किया, प्लस वहाँ पे भी सर ने सबके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया। देव सर के साथ क्लास तो लाइट सेक्शन को आप कैसे लिया आपने? जी बहुत बढ़िया। कोई सा फॉर्मेट छूटा है? नो सर। कोई सा सीपीयू छूटा है? कोई नहीं। कोई सा टाइप छूटा है? नो सर। किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले छूटा है क्या? नहीं। आईपीएस में ऐसा कोई डिस्प्ले जो बाकी हो? नो सर। सीपीयू वाइज बाकी हो? जी नहीं। सारा क्लियर है आपको? बिल्कुल सब किया मैंने। अच्छा, प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? ये प्रैक्टिकल जो देव सर ने पढ़ाया था लाइट सेक्शन, वो हमने प्रैक्टिकल किया। तो सारी चीजें वही मिली आपको? जी बिल्कुल सर। उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन बताया गया है, बाद में कौन सा मदरबोर्ड में कौन सा आईसी आता है, प्लस कौन सा वोल्टेज आता है, मतलब ऐसे बताया गया है हमने, हमें मतलब एक वोल्टेज देख के ये वो सेक्शन ठीक है ऐसा भी बताया गया है, मतलब एक ही वोल्टेज काफ़ी है, ये आईसी सही है या नहीं वो पता होने के लिए। सेक्शन बहुत बड़ा आता है, बल्कि हमको चेक कहाँ करना ये हाँ वो बताया गया, कितनी लाइनों को टेस्ट करना है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे, ये टेस्ट हुआ कि नहीं आपसे? हुआ है।
हुआ है। और अभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसीज किया है, बाद में जो पीएमआईआई से आता है, पीएमएल का आईसी आता है, वो निकाल के कंटिन्यूटी भी चेक किया है हमने, कहाँ से कहाँ तक वोल्टेज आता है, वो लाइनिंग रहता है। तो क्या बोलेंगे आज आप लाइट की क्लास के लिए? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, जो ये जो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, कल एशिया टेलीकॉम में ही मिलता है। और आज हमारे साथ थे देव सर की क्लास। अच्छा। और उन्होंने लाइट सेक्शन के बारे में बताया कि लाइट सेक्शन में कौन सा, मतलब कहाँ से रजिस्टर, कौन सा कॉइल, हमको जहाँ से जंपर मारना है, कहाँ से नहीं मारना है, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, और लाइट सेक्शन के बारे में बताया। उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ, फिर प्रैक्टिकल में भी वही बताया गया, और एक एक चीज़ के मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया। सर ज़्यादा मतलब लाइट सेक्शन में ज़्यादा कुछ करना नहीं, कहाँ से क्या करना है। सर लोग बहुत बड़ा बड़ा सोच लेते हैं कि क्या, पहले हमको भी लगा क्लास में कि सर लाइट सेक्शन हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल और थ्योरी में बताया गया तब जाके पता चला कि सर कुछ ज़्यादा ही नहीं, बहुत हलवा है सर। हाँ जी, पहले तो हमारे को सर ये पता नहीं था कि बोर्ड जैसे होते पीसीबी, सर इनको देखते थे सर, कुछ काम करते थे, नहीं हुआ जैसे कोयल हुआ सर, कुछ के कोयल को चेंज किया, नहीं हुआ तो कस्टमर को फ़ोन वापस कर देते थे 5 मिनट के। अभी क्या होता है ना, हम 2 मिनट देखेंगे ना बोर्ड को तो पता चल जाएगा कहाँ से क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम कहाँ से क्या है, इतना डीपली हमारे को नॉलेज दिया गया है। अच्छा, खाली बोर्ड देख के बता दोगे? बराबर 100% सर। तो कोई सा किसी पर आईपीएस डिस्प्ले का क्लास था आज आपका, लाइट का, किसी प्रकार का कोई चीज़ छोड़ी है क्या? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा सर, 100% की 100% मिला है। 100% पूरा जी सर, 100%। और ऐसा नहीं सर कि हम एक बार बोल दिया और आप लोग चला जाओ, ऐसा नहीं सर, बार बार रिपीट किया जाता है कि आपको ऐसा करना है, हमारे को क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे मन पर कोई डाउट है क्या, कि आपको कहीं गलत लग रहा है क्या, सर ने बार बार, और तो डायग्राम भी बनाते हैं हर सेक्शन पे, अपने को मिलता है प्रॉपर नॉलेज। डायग्राम आपको जो कॉपी पेस्ट वाला मोबाइल का होता है, गूगल से डाउनलोड करा हुआ होता है, वो डायग्राम बना दो कि मैनुअल? नहीं 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 सर, गूगल यूट्यूब का बात ही मत कीजिए सर, इसलिए तो अपने को कितना फ़ोन ख़राब हो गया सर। बराबर। हाँ सर, तो अभी मैनुअल खुद हैंडमेड बनाते हो आप डायग्राम हर सेक्शन का? हाँ सर, हर सेक्शन का बनाते हैं सर, और पढ़ाने का तरीका तो सर एक नंबर है, ऐसा कोई सर कहीं पे भी नहीं मिलेगा सर। ये बताइए मेरे को कि देव सर ने क्या खाली कुछ ही सेट पे बताया कि लाइट की पूरी ऊपर से नीचे तक एक एक चीज, एक एक बॉल कहाँ से कंट्रोल की पिन है, कौन सी I2C की पिन है, कौन सी EN की पिन है आपकी, 100 से प्लस PCB पे उन्होंने लाइट प्रैक्टिकल भी बताया आपको। हेलो, लाइट प्रैक्टिकल भी देखा आपने? लाइट का लाइट प्रैक्टिकल? यस सर। देव सर ने बताया आपको? यस सर। उसके बाद सर ये अभी मैं प्रैक्टिकल भी किया और चालू हैंडसेट से ये निकाल करके फिर हमने उसको माउंट रिमाउंट। अब लाइट को किस तरीके से ले रहे हो? बहुत अच्छे तरीके से, सारे बोर्डों पे बताया? हाँ सर, सारे फॉर्मेट पे। हाँ सर, वो आपका PMI हो, 6 लेग का IC हो, PML हो, 6-3P हो, D6 हो, D8 हो, D9 हो, कोई सी IC छोड़ी है क्या? नहीं सर, कोई सी IC नहीं छोड़ी सर, सारे बोर्डों पे बताया सर ने। और तरीका कितना सरल, तुमको एकदम सरल करके दिया, इजी करके दिया। हाँ सर। कि आपको कितनी जगह काम करना है, 2 या 3 जगह पे मुश्किल से आपको चेकिंग करना है। उसने लाइट सेक्शन के बारे में जानकारी लिया और बहुत अच्छे तरह सर ने बताया कहाँ से कितने बॉल, 12 बॉल, 6 बॉल, जितना है PMI, सब कुछ सर ने बताया। इसके बाद सर करीब 6 बजे हम लोग आ गए प्रैक्टिकल में, और जिसने 50 बोर्ड कम से कम हमने उस पर प्रैक्टिकल किया, देखा कौन से क्या कितनी क्या IC है, कहाँ से जाती है, कितना लाइन है, उसका फिर सर्टी डायग्राम बनाया, पूरा बाकायदा सब बनाया सर। सर के साथ क्लास ही लाइट सेक्शन की। हाँ जी। सब हमको सब IC आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया और कौन सी IC की लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, और कोई भी बोर्ड में कोई भी IC हो हम देख के पहचान लेंगे सर। अच्छा, खाली पहचान लोगे कि सुधार लोगे मोबाइल को? सुधार लेंगे सर, कोई भी प्रॉब्लम। एक एक लाइन का नॉलेज है? हाँ, एक एक पेट का नॉलेज है? हाँ सर। एक एक EN का नॉलेज है? हाँ सर। ITUC प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल का पूरा नॉलेज है? हाँ सर। किसमें क्या प्रोटोकॉल आएगा? हाँ सर। क्लास थी सर, 11 बजे क्लास थी देव सर के साथ। सर डीपली में जिसको बोलता है सर, आज सर बोल रहे थे कि ऐसे कर देंगे कि तुम लोग को हलवा लगेगा। तो हुआ कि नहीं हुआ? क्या सब देख के ही बोल देगा कि लाइट का लाइट AC कहाँ है, किसी कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम देखते ही तुम लोग बोल देगा। सही वही हुआ सर, हम लोग जब तक निकले तब तो पर डिटेल्स में पर समझा दिए सर कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, यही नहीं कि डायरेक्ट IC चेंज कर दिया। IC चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम होगा तो लोग उसको भी फाइंड आउट कर देंगे। बिल्कुल, एकदम फाइंड आउट कर देंगे। उसके बाद 6 बजे सर देव सर से क्लास खत्म हुआ, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल किए। प्रैक्टिकल में सर कम से कम 50 से 60 बोर्ड हम लोग देखे सर कि इसमें लाइट IC कहाँ पर है, माने कोई बोर्ड छूटा नहीं है ऐसा कि जिसमें हम लोग लाइट IC नहीं फाइंड आउट किए सर। और उसके बाद अपने से खाता तो इसका पूरा पेट डायग्राम बनाए, डायग्राम बना के आज हमारी जो क्लास थी वो लाइट सेक्शन के ऊपर थी, तो एकदम डीप में जाने को मिला, बिल्कुल एंडलेस सॉल्यूशन बोले तो सर झकास।
तो आपका डिस्प्ले कनेक्टर आज पूरा हो गया कंप्लीट? बिल्कुल सर, एकदम हलवा खाने वाली चाट रहते ना उससे बेस्ट कर दिया सर, एकदम सारा डिटेल में बताया और बोर्ड में किस तरीके से लाइट आईसी लगी होती है वो सब बताया, और उनका पढ़ाने का जो तरीका है ना सर कतई जहर, एकदम बिल्कुल डीप में ले जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल में लाइट सेक्शन का क्लास था। हाँ, जब सुबह हम लोग गए थे क्लास में तो हमको ऐसा लगा था कि वो कनेक्टर देख के हम लोग देखते थे इतना इधर से कहाँ से पावर आएगा, क्या आएगा, आईसी कहाँ रहेंगे, क्या रहेगी। अभी आज शाम को जब अभी निकल रहे हम लोग, ऐसा कोई मॉडल नहीं जैसे कोई बंदा आया ऐसे इमरजेंसी में हमको अभी के अभी लाइट बना के दी। अभी के अभी मतलब दो मिनट में उसको बना के दे सकते हैं, कल बना के दे सकते हो, वो चीज़ें आपके पास है। बिल्कुल, और ये नहीं थी हमारे पास एक्चुअली, हमको सोचने को इतना टाइम लगता था कैसे क्या करेंगे, लेकिन अभी हमको जो चीज़ जैसे अभी थ्योरी में हो गया अभी प्रैक्टिकल हो गया। कहाँ से सप्लाई कहाँ तक जा रही है, मतलब शुरुआत से एंड तक पूरा बताया कि यहाँ से अगर नहीं आई तो तुम यहाँ से यहाँ ये कर सकते हो, डायरेक्ट दे सकते नहीं दे सकते, क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट, मेरा नाम शुभम पाटिल, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। हाँ जी, आज सुबह की क्लास देव सर के साथ थी लाइट सेक्शन में। हाँ, बहुत डीपली नॉलेज दिया लाइट सेक्शन के बारे में, कहाँ से पैड कहाँ तक आती है सब कुछ बताया सर ने। चलिए, और सुबह की मतलब शाम को 6 बजे प्रैक्टिकल हुआ जहाँ पे हमने लाइट सेक्शन उठाकर पैड मतलब ट्रेसिंग की, बहुत बढ़िया सर आज। सर सुबह हमारी देव सर के साथ लाइट की क्लास थी, तो उन्होंने बिल्कुल डीपली नॉलेज तक हमें जो पढ़ाया एंडलेस, और हमें जैसे लाइट के बारे में कनेक्टर को देख के ऐसा लगता था कि इसमें पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन अब उसको देख के ऐसा लग रहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, वो कांसेप्ट वो चीज टूट गई। 44 पिन का कनेक्टर, 42 पिन का कनेक्टर, 40 पिन का कनेक्टर, 38 पिन का कनेक्टर, 32 पिन का कनेक्टर, सब कुछ टूट गया सर। अब तो देख के बिल्कुल इतना ईजी लग रहा है जैसे इसको तो हम 2 मिनट में बना के दे सकते हैं कस्टमर। मंदीप, मैं बोलूं कि अगर कोई लाइट सेक्शन में आया, लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन दोनों की बात करूं, अगर सारे कंपोनेंट निकाल के लाया तो लाइट बना सकता कि नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकते हैं, उसके लिए हर एक ट्रिक है हमारे पास। हर एक ट्रिक है? यस सर। प्रैक्टिकल हुआ और उसके बाद हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया आने के बाद, और सारे कनेक्टिविटी करके डायग्राम भी बनाया, डायग्राम बनाने के बाद और सर अब सर ने हमें और भी बताया, मतलब अब लाइट में कुछ भी कोई भी कैसा भी सेट आ जाए लाइट के अंदर बना देंगे। तो उनका जानकारी दिया और खुद से अपने हाथ से हम लोग डायग्राम बनाए और उसका प्रैक्टिकल क्लास हुआ, अभी 10 बजे प्रैक्टिकल सब बढ़े मैं। बताओ मेरे को कि लाइट सेक्शन कैसा हो, कितना इजी हो गया? बहुत इजी हो गया सर, पहले तो देखी नहीं थी बहुत। तो अभी कनेक्टर पूरा हल्का लगता है, एकदम हल्का लगता है कनेक्टर की, बिल्कुल हर चीज़ जानी पहचानी, हर पिन जानी पहचानी। हाँ, हर चीज़ जानी पहचानी, हम अभी बोर्ड देख के हम लोग बता सकते कौन सा लाइट है ऐसे। सर ने बताया पहले कि कितने टाइप के कनेक्टर आते हैं, कितने वोल्टेज आने चाहिए, कितना कुछ आना चाहिए, उसमें जी आर कितना आना चाहिए, सब बताया। और उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है आईसी की, क्या क्या लगा होता है, कहां से वोल्टेज दे सकते हैं, बाईपास कैसे कर सकते हैं, तो सारा बताया। तो अभी प्रैक्टिकल सबेरे सर के साथ क्लास थी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास की बात करूं मैं, तो अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा हैंडसेट है जो आपके पास से लाइट का वापस जाएगा? नहीं नहीं सर। अच्छा, बहुत भारी लग रहा है आज, अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई भी सेट आएगा तो 5 मिनट ज़्यादा जाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इस प्रकार का नॉलेज मिला है जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है सर, पूरा एकदम हल्का था लाइट सेक्शन जी सर, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज लाइट सेक्शन था हमारा। हाँ, सर्किट 1 सर्किट 2 समझा, और लाइट आई सी के सर्किट 1 सर्किट 2 D8 D9 PMI PML 63P या XYZ जितनी भी आईसी आती, कोई सा फॉर्मेट छोड़ा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं छोड़ा, कोई भी फॉर्मेट नहीं छोड़ा, आज कंप्लीट हुआ है लाइट सेक्शन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उनको समझ में आया कि नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। समझ में आया कि नहीं सर? उसका लाइव क्लास में आपने प्रैक्टिकल करा आपने? हाँ किया ना सर, एक एक जी आर, एक वोल्टेज कौन से कनेक्टर पे कितने वोल्टेज आना चाहिए, सारी रीडिंग है आपकी जेब में? यस बिल्कुल है सर। चलिए ठीक है, IPS लाइट सेक्शन था डिस्प्ले का। हाँ, और उसमें हमको पूरी जानकारी दी गई, पूरी पैड लाइन की जानकारी दी गई। सिद्धार्थ, अगर ये बताओ मेरे को कि सर ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और मतलब खाली क्या एक ही CPU पे दी? नहीं नहीं, MTK पे दी, खाली क्वालकॉम के एक CPU पे दी कि क्वालकॉम के सारे CPU? कोई सा CPU छोड़ा है? कोई सी IC छोड़ी है IPS डिस्प्ले में? कुछ भी छोड़ा है क्या? नथिंग, कुछ भी छोड़ा है क्या? नहीं, सारे CPU। तो ये बताओ मेरे को कि लाइट को किस तरीके से ले रहे हो आप? बहुत बढ़िया से ले रहे हैं। पहले मैं इंडिया का नंबर 1 स्ट्रीट गॉड, हमारे साथ है
26 जून की बैच तो कौन कौन लाएगा? तो आज ये हैंडसेट कौन बनाएगा? जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। La 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 la
उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के
हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। Thank you.
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की
अब जाके आपका